मैं राजी, जो तू चाहे मैं राजी। लारे कैसी हो, सब ठीक है? You look so pale. वो एक्चुअली मेरा स्टमक प्रॉब्लम चल रहा है, तो बस इसीलिए। ओके, अब कहीं और काम कर रही हो? नहीं। ओके, चलो फिर मिलते हैं कभी। यार श्योर, बाय। बंद करो उसे। क्या शौक आ रहा था तुम्हें सलार के फेवर में ट्वीट करने का? अदील, उसने हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचा है और अच्छा ही किया है, और जरूरी तो नहीं है कि हर बार लड़का ही गलत हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर बार लड़की ही ठीक हो। वो चाहे जितना भी अच्छा हो, मगर जिनके लिए हम काम करते हैं दे आर ब्रूटल तानिया। लोग मुंह लगाना छोड़ देंगे, क्या तुम इतनी ट्रोलिंग बर्दाश्त कर लोगी? प्लीज, पीपल लव यू। उसका इमेज बचाने के चक्कर में तुम अपना तो मत खराब करो। या किसी ने तुम्हारी इज्जत की है तो तुम उनकी इज्जत कर रहे हो? नहीं, हम पर्सनल डिटेल्स में जाए बगैर भी अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। ये मैं नहीं हूं और ना ही मैं बनूंगा। अगर किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करनी होती तो पहले दिन ही कर देता हूं। ये दुनिया अच्छा है भी नहीं चलती सालार, तुम ऐसा ही करते रहे तो हम ये कैसे हार जाएं? अलीम, इन सब लोगों ने जिस जगह मुझे लाके खड़ा कर दिया ना, वहां मेरे अंदर के इंसान की जीत बहुत जरूरी है। हार वाला भले हार जाए, ये सब बकवास है, कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है।
क्या करूं इसका? आई डोंट नो, सब दोबारा होगा। बेबी, अच्छी लग रही। आई नो, अब इतनी अच्छी भी नहीं लग रही। क्या हुआ? नथिंग, आई एम ब्रेकिंग अप विद यू। होश में हो तुम? हाँ, होश में तो अब आई हूँ। इट्स ओवर। देखो मानूर, अगर ये कोई मजाक है तो मैं तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। यू नो आई वॉन्ट टू मैरी यू। बट आई डोंट वॉन्ट टू। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? लड़की हूं, कोई मेंटल इंस्टीट्यूट नहीं जहां आदमियों को ठीक किया जाए। I'm so sorry, मानू, I'm so sorry, please. राफे, you need help. तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? Job threatening ही राफे, जो होना था वो हो गया। You know what? शायद मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। I'm not gonna take this lightly. इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। Feel free, राफे। हेलो बेटा। ऐसे क्यों गई है ये? पागल हो गई है? ठीक कर दूंगा इसको मैं। राफे, दैट प्लीज यार। प्रेजेंटेशन देगा या नहीं? एहसास है तभी तो आगे आगे हैं, वरना आजकल कौन किसी के लिए आवाज उठाता है। मैं आपकी शुक्रगुजार हूं। अरे शुक्रगुजार तो हम हैं आपके, क्या आपने मिलने का मौका दिया, वरना मैं तो समझ रहा था कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। बात इंटरेस्ट की नहीं है, आपको पता है हमारी जिंदगी हमारी नहीं होती, एक एक कदम घूम कर लेना होता है। But you don't have to be worried anymore. आप तो अच्छी तरह जानती हैं आपकी कोर्ट में आने वाली प्रोसीडिंग्स में आपकी कामयाबी के चांसेस अभी 50-50 है। मेरा केस आपको कमजोर लग रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन अभी भी एक तबका है जो सालार खान को सपोर्ट कर रहा है। मुश्किल तो आप दोनों के लिए है ना। मैं इस मामले में आपके साथ हर किस्म का तावन करने के लिए तैयार हूं। मेरी पूरी मदद आपके साथ होगी। देखते ही देखते बाहर सेटलमेंट हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। पता तो चलेगा, आपका काम हो और सोशल मीडिया पर ना हो, ये तो हो नहीं सकता। ये तो मेरे लोगों की तरफ से किया जाता है, तो कहते हैं कि मेरे बुरे काम भी महफिल का मौजू रहते हैं, तो फिर अच्छे काम लोगों के आगे क्यों ना लाए जाए। बेशक, फिर आप मेरी मदद क्यों करेंगे? I understand elections करीब हैं। मैडम, गलत समझ रही हैं आप। आपको लगता है कि आपकी मदद करके मुझे अगली सीट मिलेगी? वो तो मुझे वैसे भी मिल जाएगी, मेरा कोई नेमुल बदल नहीं है,
लेकिन जो दूसरा आदमी आएगा ना, उसके दिल में वो दर्द वो एहसास नहीं होगा, वो औरत की इज्जत नहीं करेगा। हर कोई उस मिट्टी से नहीं बना होता जिससे मैं बना हूं। मुझे स्पोर्ट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहाँ जा रही हो तुम? टाउन में प्रैक्टिस करने के लिए। कहाँ प्रैक्टिस हो बजाय? अभी हमारा पीटी का ब्लॉक चल रहा है ना, तो कोई अभी अलाउड ही नहीं है हमारे अलावा। तो ये कहाँ पे होते हटो डियर। एक मिनट, क्या कहा तुमने? इडियट बोला है तुम्हें। पागल हो गई तुम? यू आर स्टूपिड। यू आर द स्टूपिड वन, नॉट मी। यू दानिया, क्या हो रहा है यहाँ पे? सर, इसने शुरू किया था। यू कॉल्ड मी इडियट। सर प्लीज, इन्हें प्रिंसिपल ऑफिस ले जाएं। हाँ, तुम्हारे पापा जब जेल जाए ना, तो उनसे कहना तुम्हें प्रैक्टिस वहां करवाएं, यहाँ नहीं। रेस्टो की बेटी, हाउ डेयर यू? हाउ डेयर मी? स्टॉप इट, जाएं, चलें आप लोग। जाओ अब। आप भी जाएं। मूड खराब कर दिया। कभी हाथ शानों पर तो कभी कमर में, सालार खान की रंगीन मिजाजी की एक झलक। ऐश आसाइश हुस्न शबाब की दुनिया, शराफत का लिबादा उड़े, अय्यारी में लिपटी दुनिया। ख्वातीन हज़रात, ये तो वो सब कुछ है जो हमारे सामने है, तो सोचिए क्या कुछ होगा जो हमसे छुपा हुआ है। आइए बात करते हैं सालार खान की ही एक बरसों पुरानी दोस्त से और उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहती है। जी राबिया जी। मैं क्या कहूँ मुदस्सर साहब, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, जो सच था वो सामने तो आ गया है। आपने हमसे बात करने के लिए रजामंदी जाहिर की, हम आपके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हर किसी में हिम्मत नहीं होती बात करने की। बोलने वालों के साथ जो कुछ होता है वो तो सबको नजर आ ही रहा है ना। आई एम वेरी सॉरी राबिया जी कि आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, प्लीज मुझे बताइए कि आपने अब तक शादी क्यों नहीं की है? मेरा तो भरोसा ही उठ गया आप लोगों से, सालार खान जैसे लोगों पर। मैं अब और कुछ नहीं कहना चाहती। थैंक यू। ईमान साहब, हेरासमेंट जैसे इल्जाम की नौयत को समझती हैं? इसका मतलब, इसका इंपैक्ट? जी समझती हूँ। आप जानती हैं कि इस मुल्क में कितनी लड़कियों को ज्यादती का निशाना बनाया जाता है, कितनी मजबूर लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है? क्या आप अपने आप को भी इतने मजलूम समझते हैं? ऑब्जेक्शन, ये किस किस्म के सवालात कर रहे हैं? नवाज़िश जनाब आला, 10 जनवरी 3 बजे आप सालार साहब से मिलने उनके घर गए, ये जानते हुए कि वहां सिर्फ वही है। ये दावा करते हुए कि पिछले 3 साल से आपके साथ ये सब हो रहा है, आप फिर भी उनसे मिलने गए? मैं काम के सिलसिले में गई थी। मिस ईमान, क्या आप यहाँ मौजूद लोगों को चीख के दिखा सकते हैं? What nonsense! Objection, Your Honor! ये सवाल किस तरह से relevant है? Relevant है, तभी की जा रही है। इन्होंने मजाहमत की होगी, चीखी भी होंगी, और अगर कोई इनकी मदद को नहीं आया होगा तो बाद में भी शोर मचा सकती थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं शौक में थी। अच्छा, तो फिर आप कब तक शौक पे ना? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, दिस इज हाईली इनसेंसिटिव। हम इस तरह से किसी के जज्बात और इज्जत को मजरूह नहीं कर सकते। इज्जत उस शख्स की भी है जो वहां बैठा है, इज्जत उस शख्स की भी है जो सारी जिंदगी इस इल्जाम के साथ गुजार देगा कि उसे सल्टर कहा जाता है। अब जब आप ये ठप्पा लगा ही चुकी हैं, तो अब ये भी बता दें
कि आपके साथ उस घर में क्या हुआ। मिस ईमान, आपके साथ उस घर में क्या हुआ? देखो आयशा, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा। हमारा काम भी तो इन्हीं लोगों से चलता है ना। सालार अगर केस जीत जाता है फिर क्या होगा? नुकसान हमारा भी तो होगा। सालार के अलावा पब्लिक फिगर्स मर गई हैं। इतना बड़ा आइकॉन नहीं है वो। तुम्हारी नजर में नहीं है पर लोगों की नजर में है। अपने आप में खुद एक ब्रांड है वो। क्या चाह रहे हो, उसके खिलाफ हमारे मुंह से फूल झड़ने शुरू हो जाए? नहीं, मैं बस इतना चाह रहा हूँ तुम कुछ ना कहो, ना सालार के बारे में ना ईमान के बारे में। न्यूट्रल रहो जब तक ये केस चल रहा है। क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो। ईमान तुम्हारी दोस्त है? नहीं। तो सलार से फिर क्यों इतनी चिढ़ती हो तुम? क्योंकि सबको हो गई है। काम कर सकते हैं या इस पीआर एजेंसी में सिर्फ सालार की बातें होंगी। ये रिव्यू कर लीजिएगा प्लीज। से बुरी फिल्म भी 5 महीने से पहले यहां नहीं उतरती। Just 2 weeks? बॉस, आप जानते हैं लोग देखने आ नहीं रहे थे। ऊपर से आपका कोर्ट ट्रायल, डिस्ट्रीब्यूटर्स का फैसला था, क्या कर सकते हैं? तुम अच्छी तरह जानते हो कि लोग मेरी फिल्म देख रहे थे। अगर कोई नहीं चाहता कि मेरी फिल्म देखी जाए ये अलग बात है, और यही असल मसला है। छोड़े इस बात को, आगे की सोचे। देखना, जब एक बार आपके हक में फैसला आएगा तो यही लोग आपके साथ काम करने को तरसेंगे। हेलो, क्या ही सर? I'm just trying to help. पब्लिक आई में हूँ, ऐसे में सबकी नजर तुम्हारी निजी जिंदगी पर है कि वो कैसी चल रही है। You know, घर में सब कुछ ठीक हो तो लोग खुद ही फैसला कर लेते हैं कि बंदा सच ही बोल रहा होगा। सच ही बोल रहा हूँ। एनिवर्सरी पार्टी है हमारी, जिन जिन को कहने की जरूरत थी कह दिया है। बस पिक्चर्स पोस्ट करने से पहले एक दफा बता देना, बाकी सब मैं कर लूंगी। हैशटैग कपल गोल्स, फीलिंग ब्लेस्ड लिखकर। और बाय द वे, काम वाली ने अब आने से मना कर दिया, खाना बाहर से आएगा।
जब इतनी ऑफर्स आती हैं, सो व्हाई डोंट यू स्विच? यहाँ मेरी बात सुनी जाती है, शायद इसलिए. हर दफा तो नहीं, पर जो करना चाहती हूँ करने देती. आई डोंट थिंक एनी अदर नेटवर्क विल अलाउ दैट. पॉइंट. कुछ लिया नहीं तुमने? बस अभी लेती हूँ. सब कहने की बात है. Nobody knows what I know. यही तो मसला है. ब्रेकअप को भी इसी का हिस्सा बना दिया. आई मीन फॉर गॉड्स सेक, मेरे और ईमान के बीच सब कुछ इस कॉन्ट्रोवर्सी से पहले ही खत्म हो गया था. नॉट बिकॉज ऑफ इट. लेकिन बात तो यही बनी हुई है. वेल, सब कुछ परसेप्शन पर चल रहा है. यहां फैक्ट्स कौन देखता है? ये क्या खाली प्लेट लेके खड़ी हो? जब भी आती हो ना, हमेशा जाने की जल्दी होती है. कुछ मिला अपने मतलब का? बहुत कुछ. नहीं चाहिए. कंटेंट चेंज हो गया. चेंज हो गया मतलब मैडम? ईमान की पिक्चर्स चलेंगी रैंडमली, तैयार रखना. व्हाट? मुना, मुना लिसन. मुना लिसन टू मी. मुना, मेरी बात सुनो. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोना हैदर. वक्त की जरूरत इंसान से बहुत कुछ करवा देती है. अगर आसान लफ्जों में कहूं तो हमें लगता है जैसे हम वक्त का इस्तेमाल कर रहे हैं, दर हकीकत वक्त हमें इस्तेमाल करता है. टाइमिंग आई बिलीव इज एवरीथिंग. सलार खान की फिल्म आने से पहले हरासमेंट का इंकशाफ और लोगों की ईमान की तरफ हमदर्दी. इस बात का दावा कि ये सब कुछ हो जाने के बाद इनकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट हुई और इनके ताल्लुकात अपने मंगेतर के साथ बिगड़ गए. हो भी सकता है, लेकिन क्या ये सब कुछ इंकशाफ होने के बाद हुआ या इंकशाफ होने से पहले? क्या वाकई इनका ताल्लुक टूटना इनकी बहादुरी का नतीजा था, या इस बात को भी बहुत सी बातों की तरह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया है? मुना लिसन टू मी. मुना, मेरी बात सुनो. क्या ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिस्ट कहना गलत होगा? सही और गलत की लकीर तो वैसे ही मिट चुकी है. आइए नजर डालते हैं ईमान के अब तक के करियर. बेटा, ये क्या शोर हो रहा है? डैड, आप उसको किसी तरह से भी भेज दें, मुझे उससे नहीं मिलना. देखता हूँ. मानूर, मानूर बात क्या हुई है? ये राफे को अब उसका नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा. मैं वापस जाना चाहती. मानूर, बेटा हुआ क्या? आने दो. सर, मेरा मानूर से मिलना बहुत जरूरी है. आप मेरी बात समझे, उससे नाराज बैठे. उसको कब से कॉल कर रहा हूं, मैं कॉल छोड़ कर रहा हूं, मेरा फोन नहीं उठा रही है. अब मेरी बात, आप यहां से चले जाइए.
अभी तुम्हारे डैड देख लेते हैं। दरवाजा खुला हुआ है तुम्हारा। तुमने इतना एक्सप्लोसिव शो कर दिया, मुझे कानों कान खबर ना हो। यहाँ क्या कर रहे हो? आपके शो की बदौलत है क्या? क्या आसपास आपके रिपोर्टर्स घूम रहे थे? I needed a break, so यहाँ क्या? Can we please stop calling each other up? ठीक है। Sorry, तुम्हें ध्यान आना पड़ा। Awkward तो नहीं लग रहा? नहीं। तुम्हें? नहीं। Upset हो? बहुत। क्यों? I thought केस तुम्हारे फेवर में है। शायद, लेकिन आज कोर्ट में बहुत सी बातें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। शायद मेरे फेवर में है, मगर इंसान होने की हैसियत से नहीं। दो महीने से अपने पेरेंट्स से कोई बात नहीं हुई है मेरी। बच्चे अलग सफर कर रहे हैं और मेरी शादी दुनिया के सबसे बड़े झूठ से भी बड़ा झूठ है। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहां जा रहा हूं। कुछ भी नहीं। Stay focused. ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है। लोग मुझसे नफरत करते हैं मोना। तो क्या हुआ, प्यार भी तो बहुत लोग करते हैं। I'm serious. ये सब चीजें मैटर नहीं करती हैं इनमें। सिर्फ ये मैटर करता है कि हम हर चीज से क्या सीखते हैं। क्या सीखा तुमने? यही सीखा है कि मैंने अपनी जिंदगी की हर अच्छी चीज को बर्बाद कर दिया। और ऐसे नहीं करना चाहता। ये जो भी है हम दोनों के बीच, आई टेल यू दिस, आई डोंट नो। चलो अब खाना खिलाओ।
कैसी लग रही है? क्या हुआ? बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी, किसी की नजर न लगे। रोज नहीं लगती? ये कैसा सवाल है? हमें माफी चाहिए और सालार खान को माफी मांगनी पड़ेगी। किस तरह के सवाल हुए हैं अदालत में? क्या अब मौशरे की औरत के साथ ये सब होगा? आप ऐसे खटिया लोगों को इजाजत भी कैसे दे सकते हैं काम करने की? हम चाहते हैं कि उनको इस इंडस्ट्री में काम नहीं मिलना चाहिए, किसी भी तरह से वो आगे नहीं बढ़ने चाहिए। ईमान एक इज्जतदार औरत है और उसकी इस तरह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सालार जैसे लोगों को इंडस्ट्री में होना ही नहीं चाहिए, उनके सारे प्रोजेक्ट्स बैन कर देने चाहिए, उनके सारे शो कैंसिल कर देने चाहिए। एनिमल क्रुएल्टी पे बात करना बहुत जरूरी हो गया है। मुझे बहुत अफसोस है कि जानवरों पे जुल्म करना यहाँ पर किसी भी किस्म का क्राइम नहीं समझा जाता। आप लोगों की मदद से वी विल टेक दिस कैंपेन नेशन वाइड। अल्लाह ताला ने हर जानदार चीज को जीने का हक दिया है, लेकिन हम कोई नहीं होते जो किसी से ये हक छीने। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।